हेलो बॉयज़, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज़, आज का पबजी क्वेश्चन है, आपको IGL का फुल फॉर्म बताना है और जो टीम गॉडलाइक है उसके IGL का नाम। जो भी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसका कमेंट पिन होगा और नेक्स्ट वीडियो में उसको शाउट आउट मिलेगा। सो गाइज, लास्ट वीडियो के विनर है आशुतोष भाई, एंड अ ह्यूज शाउट आउट टू हिम, एंड लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो गाइज, फर्स्ट अपडेट आ रही है मॉर्टल की तरफ से। सो गाइज, कल मॉर्टल जब अपनी स्ट्रीम कर रहे थे तो उनकी लॉबी में नोवा और आइकॉनिक आए थे। इस ऑडियंस में काफ़ी ज़्यादा स्पैम हो रहा था कि नोवा और आइकॉनिक के साथ खेलने हैं मॉर्टल को, बट एज यू नो गाइज, स्ट्रीम्स पहले से डिसाइडेड होती हैं कि किस के साथ खेलना होता है। सो मॉर्टल आइकॉनिक और नोवा के साथ नहीं खेल पाए, और जिसके रिगार्डिंग ऑडियंस थोड़ा नाराज़ हो गई और कमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा स्पैम होने लग गया। सो इस रिगार्डिंग मॉर्टल ने अपने लाइव स्ट्रीम में कमेंट करके कुछ ये बोला। सो गाइज़, यहाँ पे मॉर्टल ने बेसिकली यही एक्सप्लेन करा कि स्ट्रीम से पहले ही डिसाइडेड होता है कि कौन खेलने वाला होता है स्ट्रीम पे, ताकि कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो किसी भी प्लेयर्स के बीच में और किसी को वेट ना करना पड़ा। और नोवा और आइकॉनिक का कोई पहले से कोई नोटिस आया नहीं था मॉर्टल के पास कि वो खेलने वाले हैं, इसलिए वो खेल नहीं पाए उनके साथ। प्लस गाइज़, आज पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मांबा को काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा है, कॉन्स्टेंटली मॉर्टल के साथ स्ट्रीम पे खेल रहे हैं। सो गाइज़, इस रिगार्डिंग आपका क्या कहना है, और मैंने अगर कुछ मिस करा है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसे ज़रूर चेकआउट करूँगा। सो हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। सो गाइज, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम गॉडलाइक हस्तर एंड टीम IE, विच इज़ इनिशिएटिव ई स्पोर्ट्स। तो एज यू नो गाइज, ESL के मैचेस स्टार्ट हो गए हैं, और एक इरेंगल के मैच के दौरान गॉडलाइक की टीम IE की टीम से मर जाती है, जिसको लेकर गॉडल हस्तर ने IE की टीम के ऊपर एलिजली अक्यूज़ करा है कि वो ESP यूज़ करते हैं या फिर उन्होंने स्ट्रीम स्नाइप करके गॉडलाइक को मारा। सो उस रिगार्डिंग गॉडलाइक हस्तर ने अपनी स्ट्रीम पे क्या बोला, आप पहले ये देख लीजिए। ठीक है, आगे देखो भाई, देखना अभी देखना। मैंने कोई मूवमेंट नहीं दिए, मैंने कोई फुटस्टेप्स नहीं दिए, मैंने कुछ सुनाई नहीं दिया। ठीक है, देख टीपीपी ले रहा है, एक बंदा टीपीपी ले रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे टीपीपी ले रहा है, इस तरफ को, तेरी तरफ को, नाइस। अब देखो पीछे से गाड़ी आ रही, पीछे से गाड़ी आ रही, अभी देखना कैसे आएगी। अरे ये टीपीपी ले रहा है भाई, सिंपल दिख रहा है, लोल। वो देख, वो देख, वो देख, वो देखो मेरी तरफ एम कर रहा है, अब स्क्वाड हाउस पे ठोकेगा। अभी बता दो बहनचोद, ESP है, ESP है, अभी बता दो भाई। यार थोड़ा सा पीछे कर लूँ, मैं पीछे से थोड़ा सा पीछे कर लूँ, गाड़ी आई, रुको मैं पॉज करता हूँ, थोड़ा सा पीछे करके वापिस बताता हूँ। वो जो बंदा कवर दे रहा था ना, उसका मैं बताता हूँ। देखो यहाँ से गाड़ी आई, ये पॉज किया मैंने, यहाँ पे गाड़ी है, करता हूँ। ये क्या है, ये देखो, ये घर के अंदर ये बंदा क्या कर रहा है, ये क्या भाई, क्यों इस तरफ क्यों देख रहा है, कहीं और भी देख सकता है ना, क्यों सिर्फ स्क्वाड हाउस में ही देख रहा है, क्यों सिर्फ स्क्वाड हाउस में देख रहा है। और बोलना नहीं मैंने मूवमेंट दिया, अब मैंने घुंघरू बजाए मेरे पैरों के, तीन बंदे आके सीधा स्क्वाड हाउस पे ठोकते हैं। ESP है, ESP है, लोल, ग्लिच से दिखा होगा मेरा लौड़ा, ग्लिच से दिखा होगा भाई, मैं हिला तक नहीं। गेस करके ठोक दिया तो उस तरफ ही देखना। अरे क्या, अरे अरे वो छोड़ना, पता चल गया, ये तो टीपीपी। अब अभी मेरे को, चलो मैं ये बोलता हूँ, अभी बैक टू गेम आ जाते हैं, मैं बोलता हूँ ESP नहीं होगा, चलो। और मैं दूसरा एक चीज बताता हूँ कि चलो ESP नहीं भी होगा मैं मान लिया, बट स्ट्रीम स्नाइपिंग भी हो सकता है, स्ट्रीम स्नाइपिंग का भी मैं बोल रहा हूँ। तो भाई भाई तुम इतने बड़े टूर्नामेंट में तुम ये चप क्यों मैच उधवा रहे हो अपनी, या तो ESL वालों को इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए। अब लगा एंकर भाई, ये अबे वो छोड़, टीपीपी है भाई, मैं तेरी तरफ कैसे कर सकता है भाई, भाई मैं वही बोल रहा ना। अरे अरे मैंने मूवमेंट भी नहीं दी। ESL लाइव स्ट्रीम बोल रहा है क्या? हाँ, अरे वो भी बोल सकते हैं, स्ट्रीम स्नाइपिंग भी हो सकता है, बट नहीं कर सकते ना तुम, कर ही नहीं सकते ना तुम। कितना डिले था यार, कितना भी डिले हो तुम टूर्नामेंट को स्ट्रीम स्नाइप कैसे कर सकते हो, ये तो प्रूफ है सीधा साधा। हां टूर्नामेंट को भी सीधी सी बात है, कुछ भी कह रहे हो नहीं कर लेते, रेडी दो भाई। सो बॉयज़, हस्तर को रिप्लाई करते हुए IE के आदित्य ने भी एक वीडियो डाली है जिसमें उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करा है। सो उनके वीडियो का एक छोटा सा पार्ट आपको मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। पढ़ी थी क्या पक्का? मेरे को तो नहीं पढ़ी।
स्मोकी को फिनिश करने के बाद हमें ये कन्फ्यूजन था कि स्क्वाड हाउस से कवर फायर आया नहीं आया, फिर हमने उसे जाके फिनिश किया और हम लोग आराम से लुटे। आप लोग ये सोचो ना कि अगर हम ESP यूजर होते तो इतना खुले में तीन बंदे क्यों लेटते स्क्वाड हाउस के एंगल पे। और इतने में, इतना खुले में भाई हस्तर नहीं, कोई भी होता, मतलब कोई क्लासिक प्लेयर जो इतना अच्छा से नहीं खेलता वो भी एक स्प्रे में तीन बंदे ले जाता, उतना इजीली बगल बगल में बैठ के लूट रहे थे हम। और फिर हमें फिर भी शक था, लेकिन हम लोग निकल रहे थे, जोन का कॉल आया कि जोन आ रहा है निकलते हैं, तो फिर मैंने एक बंदे को कॉल दिया नियो को कि तुम इधर ही रुकना स्क्वाड हाउस से, अगर कोई कैंप कर रहा है तो निकल के भाग ना जाए, हम लोग गाड़ी लेके आते हैं, जाते जाते स्क्वाड हाउस पे चेक करके जाएंगे। और जैसा कॉल आया था मुझ भाई का कि अपन लोग स्क्वाड हाउस जाके चेक करके आएंगे, हम लोग उसका गाड़ी लेके वहाँ पर रुके हम तीन। उसके बाद हमने नीचे से पूरा अच्छे से चेक किया फ्लोर, उसके बाद हम लोग ऊपर गए। ऊपर जाके मुझ भाई पैनिक रूम में चेक किए, रूसीफर ऊपर वाली रूफ पे गए और मैं बालकनी में गया। बालकनी में हस्ते लेटे हुए थे और मैंने वहाँ पर उन्हें मार दिया। और अब हम अपना पूरा रॉ POV डालेंगे, आप आगे देख लीजिए। सो बॉयज, इस रिगार्डिंग नोवा किंग और घातक ने भी अपना कुछ ये ओपिनियन बताया अपनी स्ट्रीम्स पे। वीडियो डाली है ये वालों ने। हाँ डाल दी, मेरे को पता है वो डाल। अबे आई वाले बढ़िया खेलते हैं भाई। मैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं बोल रहा था तेरे को, मैं कैरी को फोन करके बोला मैं कि भाई नहीं है ऐसा कुछ सीन, तू बात कर लेगा उनसे बिना बात के। हमको भी बहुत जरूरत मारते भाई, वो जॉर्ज पुल में खतरनाक लौंडे, बढ़िया खेलता है आदित्य भाई। क्या है वो, क्या 21/0 राइजिंग स्टार्स? यस, बेस्ट टीम इन स्टार्स है वो लोग, राइजिंग स्टार्स है भाई। वो बहुत गलत खेलते हैं। और सो गाइज, आपका इस बारे में क्या कहना है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर बताना। एंड गाइज, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। वी आर वेरी क्लोज टू हिटिंग 54,000 सब्सक्राइबर्स, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय।